हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि मेरे कितने मार्क्स आए थे जब मेरा 2016 में सिलेक्शन हुआ था एई में। देखिए, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट था वो 2013 का था और रिज़ल्ट जो था वो 2016 में आया था और ज्वाइनिंग भी 2016 में हुई थी। तो मैं आज आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मार्क्स के डिफरेंस से कितना रैंक का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, एक मोटा मोटा अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हैं। देखिए, अब कंडीशन चेंज हो गई हैं। जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था तो 2015 में कंपटीशन बहुत कम था, ठीक है, और 2022 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज आपका जो कंपटीशन है और आपके जो कैंडिडेट्स हैं, बैठने वाले एप्लीकेंट्स हैं जो, वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे टाइम पर उतने एप्लीकेंट्स नहीं थे, लेकिन तब भी मेरे GS में जो मार्क्स आए थे, मेरे जो टेक्निकल पेपर में जो मार्क्स आए थे, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना मार्क्स चाहिए एक मोटा मोटा। ठीक है, तो और जो टॉपर हैं, मैं वो भी उसके भी मार्क्स आपको दिखा देता हूं और अपने मार्क्स भी दिखा देता हूं। और हमारे जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें इरिगेशन में भी बच्चे थे, ठीक है, इरिगेशन में भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनके मार्क्स कितने थे। आवास विभाग जो MDDA है, जो उसमें जो बच्चे गए उनके कितने मार्क्स थे, और मैकेनिकल वालों के कितने मार्क्स थे, और माइनर इरिगेशन में कितने मार्क्स थे, तो वो सब आप देख सकते हैं। मैं आपको सबका रोल नंबर बता दूंगा, तो आप पूरी लिस्ट भी शेयर कर देता हूं आपके साथ, जिससे आपको आइडिया चल जाएगा कि कितने मार्क्स वाले बच्चे किस में गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अगर आपके मार्क्स PWD में कम है, ठीक है, आपके मार्क्स PWD में कम है, तो आप PWD में लोअर रैंक में होने के बजाय आप इरीगेशन में टॉपर हो सकते हैं। ठीक है, आप तो ये बेहतर रहता है। ये बहुत से कैंडिडेट्स जो स्मार्ट होते हैं, स्मार्टली प्रेफरेंस लेते हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसा क्योंकि जो प्रेफरेंस होती है वो इंटरव्यू के टाइम होती है। तो आपके मार्क्स से आप जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे मार्क्स इतने आने वाले हैं और कट ऑफ ये है। ठीक है, और जो टॉपर है, आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसी ने बता दिया होगा कि टॉपर कितना जाने वाला है और कट ऑफ कितनी जाने वाली है और एवरेज मार्क्स कितने होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स मिड में हैं तो आप दूसरा डिपार्टमेंट भी चूज़ कर सकते हैं, RWD या इरीगेशन, माइनर इरीगेशन भी चूज़ कर सकते हैं, जिससे आप उस बैच में टॉपर हो जाएंगे इरीगेशन में, या माइनर इरीगेशन में टॉपर हो जाएंगे, या RWD में टॉपर हो जाएंगे, बजाय PWD में लोअर रैंक में होने के। ठीक है, तो मेरे जो मार्क्स हैं और बाकियों के जो मार्क्स हैं उससे आप एक आइडिया ले लीजिए, मैं लिस्ट शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो मैं अपना रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ। 2016 सितंबर में ये रिज़ल्ट आ गया था, 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, और 6 महीने बाद इन्होंने रिटर्न का रिज़ल्ट दे दिया था, और 6 महीने बाद ही इंटरव्यू हो गया था लगभग, और ज्वाइनिंग भी 6 महीने बाद हुई थी। तो 6 महीने का गैप आप मान के चलिए एग्ज़ाम के बाद रिटर्न का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में, फिर इंटरव्यू का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में, ठीक है, और ज्वाइनिंग 6 महीने बाद। ठीक है, 2016 दिसंबर में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कैंडिडेट्स के नाम हटा दिए हैं। देखिए, एक्चुअली किसी कैंडिडेट के नाम, किसी कैंडिडेट की कैटेगरी और उसके मार्क्स डिस्क्लोज़ करना उसकी परमिशन के बिना ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनके नाम हटा दिए हैं। मेरे बैचमेट्स हैं तो ठीक भी नहीं है। तो ये टॉपर का आप देख लीजिए, रोल नंबर देख लीजिए, आपको कैंडिडेट्स 402 817 ये है टॉपर का रैंक, PWD सिविल। ठीक है, और ये मेरी रैंक आई थी 24, तो मेरा जो रोल नंबर है वो है 404886। ठीक है, तो इन दोनों को देख लेंगे, और आप जो लास्ट रैंकर हैं उससे भी देख सकते हैं, वो बाकी एनालिसिस आप खुद कर लीजिएगा। देखिए, कैंडिडेट इतने ज़्यादा हैं तो, और सबकी कैटेगरी और सबका रिज़र्वेशन के हिसाब से है मार्क्स, तो इतना सारा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस वीडियो में। ये देखिए, UF लिखा है, उत्तराखंड फीमेल। ठीक है, और चैलेंज देखिए, ये है फिज़िकली हैंडीकैप है, तो इसीलिए चैलेंज लिखा हुआ, जनरल कैटेगरी फिज़िकली हैंडीकैप। ठीक है, तो ये आप यहाँ से रोल नंबर देख लीजिएगा, और जो मैं आपके साथ मार्क्स की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ उसमें से आप वीडियो पॉज कर करके आप अपने मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक आइडिया आपको चल जाएगा कि कितनी क्या कट ऑफ जाती है और कितनी क्या रेंज रहती है मार्क्स की। इरिगेशन सिविल के मार्क्स हैं, ये इरिगेशन सिविल के टॉपर हैं, 403096 इनका रोल नंबर है। ठीक है, और ये टोटल कैंडिडेट 26 थे इसमें। आवास विभाग सिंगल कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था, 407610 रोल नंबर है, इसके मार्क्स भी मैं आपको बता दूंगा। और ये है विद्युत यांत्रिक सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो PWD में जो AE होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कॉमन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का AE अलग अलग नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकल का काम भी देखता है और मैकेनिकल का भी काम देखता है। तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल का काम भी मैकेनिकल वाला देख रहा है और मैकेनिकल का काम इलेक्ट्रिकल वाला देख रहा है। ठीक है, लेकिन JE दोनों के अलग अलग होते हैं। JE
इलेक्ट्रिकल अलग होगा, जेई मैकेनिकल अलग होगा, ठीक है। लेकिन जब एई बन जाते हैं तो उन्हें दोनों के काम देखने पड़ते हैं, ठीक है। इनका 50-50% कोटा होता है, 50% इलेक्ट्रिकल वाले प्रमोट होंगे और 50% मैकेनिकल वाले प्रमोट होंगे एई में, ठीक है। और ये इरिगेशन एई, इरिगेशन में तो इलेक्ट्रिकल का एई नहीं होता है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिक, ये मैकेनिकल के एई हो गए। ये रोल नंबर है, आप देख लीजिएगा, जो जिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहा है, जो जिस उसकी तैयारी कर रहा है फील्ड के, मैकेनिकल के वाले, मैकेनिकल के रोल नंबर चेक कर लेना, कंपेयर कर लेना मार्क्स, ठीक है। ये इरिगेशन हो गया, ये माइनर इरिगेशन मैकेनिकल, ये लघु सिंचाई एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनके मार्क्स, ठीक है। सबके नोट्स कर लीजिए, मैंने नोट कर लिए हैं, तो लाइन वाइज देख लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी मार्कशीट, ये एई 2016 जो बैच है उसकी मार्कशीट है। अच्छा, ये एई 2013 लिखा हुआ है, 2013 इसलिए लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट 2013 का था, ठीक है। ये है 2016 बैच के रिजल्ट की मार्कशीट, ठीक है। तो इसमें कैंडिडेट्स देखिए आप, इसमें कैंडिडेट्स काफ़ी कम थे, लेकिन आपके साथ कम नहीं होने वाले, ठीक है। आपके साथ ये वही बच्चों के मार्क्स इन्होंने दिए हैं जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे, ठीक है। आप ये मत समझिएगा, इससे 380 बच्चे बैठे थे इस एग्ज़ाम में, तो ये वही बच्चे हैं जिनके इनके जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। तो सबके मार्क्स देख लेते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको अपने मार्क्स। 404886 मेरा रोल नंबर था, तो मेरे मार्क्स आए थे 404886। देखिए सबसे पहले मार्क्स दे रखे हैं हिंदी के, फिर हैं आपके इंग्लिश के, फिर है जीएस, फिर है ऑप्शनल, फिर ऑप्शनल टू मतलब टेक्निकल वन, टेक्निकल टू, और फिर इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। तो मैं अपने आपको मार्क्स दिखा देता हूँ। देखिए मेरे थे हिंदी में सबसे कम नंबर 39.5। इसीलिए आपको याद होगा मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में बोला था कि हिंदी पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे हिंदी में सबसे कम रहे थे। और हिंदी में आप देखिए 100 में से सिर्फ 39.5 मेरे मार्क्स रहे थे, तो कितना स्कोप था, मैं कितनी अपनी रैंक इम्प्रूव कर सकता था, ठीक है। तो हिंदी में मेरे को थोड़ा सा लॉस हुआ मार्क्स का, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, हिंदी जो व्याकरण है उसे इम्प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्कोप रहता है हिंदी को इम्प्रूव करने का। टेक्निकल्स में एक मैच्योरिटी आ जाती है, टेक्निकल्स में एक सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर पाते, लेकिन हिंदी इंग्लिश और जीएस इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जेई में तो जीएस का पेपर नहीं है, लेकिन एई वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जीएस और इंग्लिश और हिंदी इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है। हिंदी में सिर्फ 39.5 मार्क्स थे मेरे। इंग्लिश में आपको बताया था, इंग्लिश में कि मैंने बुक तक नहीं उठाई थी, बुक मैंने परचेज ही नहीं की थी। इंग्लिश में मेरी थोड़ी काफ़ी हद तक ठीक ठाक थी, तो मेरे को इंग्लिश छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और हिंदी भी मैंने नहीं छुआ था, हिंदी मेरे को पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा टफ होगा ये, तो इसीलिए मेरे कम नंबर आ गए, ठीक है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा जो गलती मैंने की, ठीक है। जनरल स्टडीज़ जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वो तो जनरल स्टडीज़ पढ़ते ही हैं, तो उम्मीद है मेरे को आप तैयारी भी कर रहे होंगे। तो 61.75 मेरे आ गए थे जनरल स्टडीज़ में, और टेक्निकल में जो 360 नंबर का होता है उसमें से आए थे मेरे 279, ठीक है। और दूसरा ऑप्शनल जो भी, वो भी 360 नंबर का, उसमें से थे 231, और मेरे टोटल हो गए थे रिटर्न के रिजल्ट मार्क्स वो थे 686, ठीक है। और इंटरव्यू जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जीएस के तो जवाब दे ही नहीं पाया था, उत्तराखंड की जीएस के जवाब, तो मेरे को सिर्फ दिए उन्होंने 61 नंबर, ठीक है। एक्चुअल मार्क्स मेरे 61 है, हो सकता है मैंने आपको थोड़ा आगे पीछे मार्क्स बता दिया हूँ, क्योंकि मैंने तब उस टाइम रिजल्ट मेरे को याद नहीं था, तो मैंने ये बैचमेट से अपना रिजल्ट मंगाया है। तो अब ये एक्चुअल मेरे मार्क्स हैं 61, तो मेरा 747.75 मेरा ग्रैंड टोटल हो गया था, और इस मार्क्स पे मेरी रैंक आ गई थी 24, ठीक है। 747.75 आउट ऑफ शायद ये 1020 नंबर का होता है, तो उसमें से ये मार्क्स थे मेरे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ टॉपर के मार्क्स। टॉपर का जो हमने पिछले देखा था, पिछले वाले उसमें स्लाइड में, वो था 402817 रोल नंबर, ठीक है। 402817 मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये रहा टॉपर के मार्क्स। हिंदी में देखिए उसके नंबर हैं 59.5, ठीक है। 59.5 देखिए कितना डिफरेंस हो गया, इसीलिए वो टॉपर है, ठीक है। देखिए उसके हैं 71 नंबर इंग्लिश में, और इंग्लिश में मेरे थे 75, मेरे से कम नंबर है। और जीएस में मात्र 48 नंबर हैं उसके टॉपर के, और मेरे थे 61.75, ठीक है। तो ये देखिए हिंदी की वजह से मैं कितना पीछे चला गया, पूरे 30 नंबर में पीछे चला गया हिंदी की वजह से। और 30 नंबर कंपटीशन में आपको पता है क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा। टेक्निकल 300 मेरे थे 279, और इनके हैं टेक्निकल टू में वो है 249, और देखिए इस टॉपर को इंटरव्यू में कितने नंबर मिले हैं वो है 70, ठीक है।
70 मार्क्स मिले हैं, तो सिर्फ 10 नंबर्स का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इंटरव्यू के मार्क्स में। आप ये सारी लिस्ट है तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सबको 50, 60, 70, 75 मैक्सिमम मेरे को लग रहा है 75 ही होंगे मार्क्स इंटरव्यू में जो मिले हैं। तो बच्चों को बहुत बार डाउट हो रहा था कि कितने मार्क्स मिलते हैं मिनिमम और कितने मिलते हैं मैक्सिमम, तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं सबके मार्क्स। तो मैंने आपको टॉपर के मार्क दिखा दिए, टॉपर के हैं 798 और मेरे थे 747, तो लगभग लगभग 50 नंबर का डिफरेंस है टॉपर और मेरे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया टॉपर और मेरे बीच में मार्क्स का डिफरेंस। अब मैं आपको बता देता हूँ इरिगेशन सिविल के मार्क्स कितने थे। अच्छा, इरिगेशन सिविल के मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, आप देख लीजिएगा, रोल नंबर है उसका 403096, और उसके मार्क्स हैं 753 मार्क्स हैं उसके। तो 753 मार्क्स में देखिए, अगर वो पीडब्ल्यूडी चूज़ करता तो वो करीब टॉपर से काफ़ी पीछे रहता है ना, 10 या 20 उसकी रैंक होती, लेकिन उसने चूज़ किया आपका इरिगेशन में वो टॉप पे पहुंच गया, ठीक है। अगर वो ही पीडब्ल्यूडी चूज़ करता तो वो कहीं बीच में जाके मिड रैंकर होता, लेकिन उसने इरिगेशन चूज़ किया तो वो उस बैच का टॉपर है। अब इरिगेशन में वो प्रमोशन में सबसे पहले है उसका चांस, वो एक्शन सबसे पहले बनेगा, ठीक है। तो सोच समझ के आप पूरी रिसर्च करके प्रेफरेंस इंटरव्यू के टाइम भरिएगा, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कट ऑफ देख लेना, टॉपर के मार्क्स सबसे डिस्कशन में रहना व्हाट्सएप ग्रुप पे कि मैं मैक्सिमम मार्क्स कितने आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं MDDA आवास विभाग। आवास विभाग रोल नंबर था 407 610 के मार्क्स देख लेते हैं हम लोग। ही आ गया मेरे पास, टोटल मार्क्स है 743.50। देखिए आवास विभाग MDDA इतना प्राइम डिपार्टमेंट है, देहरादून में पोस्टिंग है, एकदम साफ़ सुथरा, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी स्कीम्स लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो मार्क्स कितने हैं 743.5। आवास विभाग में एक्चुअली जब मैं था तो हम लोग, हमारे बैच वालों को नॉलेज ही नहीं थी, जब वो PWD में आ गए तब वो अपने आप को थोड़ा सा वो फील करते हैं कि उन्होंने आवास विभाग डाला ही नहीं। तो देखिए मेरी रैंक थी 24 और सिर्फ आवास विभाग की सिर्फ एक सीट थी, तो जो कि 743 मार्क्स पे अलॉट हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ है MDDA की के जो अलॉटमेंट हुआ है। नेक्स्ट है PWD मैकेनिकल। मैकेनिकल के मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिकल के मार्क्स 414253, रोल नंबर है 414253। देखिए मैकेनिकल ये रहा, मैकेनिकल का देखिए, मैकेनिकल के कैंडिडेट्स नो डाउट सबसे ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन का लेवल सबसे ज़्यादा टफ होता है, तो उनके जो मार्क्स की कट ऑफ जाती है सबसे हाई। देखिए टॉपर के मार्क्स हैं 805, ठीक है, और देखिए टॉपर होने के बावजूद भी इसे इंटरव्यू में सिर्फ 66 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपर को हमेशा इंटरव्यू में ज़्यादा मिलते हैं, किसी को भी हो सकता है वो। तो बाकी कैंडिडेट्स की आप रिसर्च खुद ही कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी मार्क्स की लिस्ट दिखा दी है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप लोग वीडियो पॉज कर करके अपनी रिसर्च कीजिए, ठीक है, और अपनी प्रेफरेंस उस हिसाब से डिसाइड कीजिएगा इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। थैंक यू।